बोलो। अरे होमवर्क दिए थे ना कुछ? हेलो, यस बनाए? सर, यस सर, क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में बताओ। सेम इम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ तो एक क्वेश्चन होमवर्क दिए थे ना, बन गया? सब लोग बनाया यस है? सर, सबका हो सब गया? आंसर क्या आया बताओ, क्वेश्चन क्या था पहले ये बताओ। कौन कौन सा एलिमेंट था, क्वेश्चन पढ़ो तो कोई एक। हेलो हेलो, अरे बताओ क्वेश्चन कोई बताओ। डिटरमाइंड द इम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर क्रिसोटाइल एबेस्टॉस। हाँ, और परसेंटेज क्या क्या दिया हुआ यहाँ पे, एलिमेंट बताना। 28.3 और परसेंट एमजी, एमजी का कितना है? 28.3, 28.03। अच्छा, और उसके बाद क्या है? 21.6 SI। 21.6। परसेंट इसके आगे भी SI। कुछ है? सिक्स, बस इतना ही है, सिक्स सिलिकॉन है, उसके बाद और? अच्छा, 60 है। 60। फिर थर्ड एलिमेंट कौन सा है? 1.16 वन परसेंट पॉइंट वन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। उसके बाद फोर्थ? 49.21% ऑक्सीजन। 49.21% ऑक्सीजन। चलो यही था ना। हेलो, यस सर, आंसर क्या आया तुम लोग का बताओ। बनाए हो तुम लोग ही, बनाए हो या नहीं सही से बताओ। हेलो, यस सर, बनाए। अरे आंसर क्या आया पहले बताओ, फिर चेक कर लेंगे हम लोग। आंसर क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ क्या आया है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं, क्या है आंसर? एमजी सिक्स सिक्स MG6 और SI4, SI फोर और H6 H6 O16। और O16। और यस किसी का आया आंसर? सबका यही आ रहा है। हेलो, ये किसका है आंसर? है अर्पित का। कौन ये आंसर बताया? उज्जवल। उज्जवल। और कोई बनाया है? अर्पित। सर, बनाए हो? नहीं। आर्यन। और कोई नहीं बनाया इसके अलावा? चलो देखो यार, चलो मैग्नीशियम का बताना। ये परसेंटेज ये बताए थे कि परसेंटेज जो दिया होगा उसको लिख लोगे डायरेक्टली, उसके बाद हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, उसको किससे डिवाइड करेंगे, सबके वैल्यू को बताओ। हेलो, उसके एटॉमिक एटॉमिक मास से डिवाइड। हाँ, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 24। 24। तो इसको 24 से डिवाइड करो। बस सिलिकॉन का कितना होता है? 28। हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। अब डिवाइड करने के बाद जो आ रहा है उसको लिखो। ये पहला वाला देखोगे 28.03 डिवाइडेड बाय 24। फर्स्ट वाला कितना आ रहा है? ये 1.16 आ रहा है। क्लियर है? 1.168 ले लेते हैं। दूसरा वाला देखोगे 21.60 डिवाइडेड बाय 28।
ये आ रहा है 0.771, तीसरा वाला तो 1.16 ही रहेगा और फोर्थ वाला 49.21 डिवाइडेड बाय 16, ये है 3.07। चलो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये स्टेप के बाद बताओ, ये लास्ट क्लास में सारा स्टेप डिस्कस किए थे सर, इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइड करते हैं। हाँ तो इनमें से सबसे छोटा जो नंबर है उससे सबको डिवाइड करोगे, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0.771, तो इससे सारे में हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 0.771 इसको भी 0.771, यहाँ भी 0.771 और ये भी 0.771 से। अब डिवाइड करने के बाद यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लिखना है, अप्रोक्सीमेटली कितना आया, तो पहला वाला अगर डिवाइड करोगे देखो 1.168 डिवाइडेड बाय 0.771, ये अप्रोक्सीमेटली देखोगे ये 1.5 आ रहा है, ये तो 1 ही आएगा। 1.16 डिवाइडेड बाय 0.771, ये भी आ रहा है 1.5 के आसपास, 3.07 डिवाइडेड बाय, ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 4 के आसपास आ जाएगा। देख लो ये आया है सबका इतना। yes. चलो अब यहाँ पे देखो एक्चुअली जो ये आ रहा है ये सारा वैल्यूज होल नंबर में आया क्या हमारा, कुछ कुछ देखो डेसिमल में भी दिख रहा है, दिख रहा है ना, जैसे Mg का 1.5 आ रहा है, हाइड्रोजन का 1.5 आ रहा है, जिसमें ये बताया तो तुमने उसको कि नंबर ऑफ एटम्स हो गया वो कभी भी डेसिमल में नहीं रह सकता, वो हमेशा होल नंबर में ही रहेगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इसको नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करोगे, तो नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए देखो इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो उतना ही रह जाएगा, तो फिर नेक्स्ट होल नंबर कौन सा है, 2 है, तो अगर किसी एक में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है? तो मतलब जैसे इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी सारा वैल्यूज 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा 1.5 × 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 8 हो गया। अब देखो तो ये सिंपलेस्ट रेशियो में आ गया, इन चारों वैल्यूज में कुछ कॉमन आ सकता है क्या, 3, 2, 3, 8 में और कुछ कॉमन आएगा? नो सर। नहीं, तब यही क्या हो गया, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया इसका, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया इसका, जिसके कोरस्पोंडिंग जो जो वैल्यू है वो लिखो, Mg3 Si2 H3 और O8, ठीक है, तो ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। चलो तो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकल गया, नेक्स्ट क्या निकालना है हम लोगों को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए बताए थे एक वैल्यू होता है n, अब इसमें तुमको मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का दिया हुआ होगा, कितना दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास बताओ, क्वेश्चन में बताओ कितना दिया, 520.8 ग्राम, ये तो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास पहले कैलकुलेट करो यहाँ पे, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आया है इससे हम लोग निकालेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो इससे निकलेगा देखो मैग्नीशियम का होता है 24 × 3 प्लस सिलिकॉन का 28 × 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 3 और ऑक्सीजन का 16 × 8, कितना आ रहा है, ये आ गया 72 प्लस 56 प्लस 3 और ये कितना आ गया 128, इन सभी को ऐड करो कितना आ रहा है ऐड करने पे, बताओ ऐड करके क्या आ रहा है,
हेलो 259 आ रहा है. चलो ये 259 आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. ठीक है, क्लियर है ना. अब एन का वैल्यू निकालना है. एन का वैल्यू कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट या एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. तो ये दिया हुआ है 520.8 दिया हुआ है ये, और ये दिया हुआ है 259. ये कितना आ जाएगा नियरली बताओ, डिवाइड करो कितना आएगा? हेलो, कितना आएगा डिवाइड करके? 2 आ जाएगा, देख लो. यस सर. हेलो, 2 आएगा ना? यस सर. तो एन का वैल्यू आ गया 2. अब कैसे निकालते हैं हम लोग? एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है, एन का वैल्यू आ गया, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ईएफ से डिनोट कर रहा है इसको. एन से मल्टीप्लाई करते थे तो यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देता था. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है कितना, ये कैलकुलेट कर चुके हैं, Mg3 Si2 H3 O8 into 2 कर दोगे तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा. यहाँ पे लिख रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा Mg6 Si4 H6 और O16. कितना हो जाएगा? O16. ठीक है, तो ये आंसर हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया. ये आंसर सही था ना, Mg6 Si4 H6. हाँ ठीक है. कौन बनाया था ये? उज्जवल. यस सर. चलो ठीक है, आंसर देख लो. बाकी लोग देख लो, अगर कोई डाउट है तो पूछो. लिख लो पहले इसको, ठीक है, कहीं भी डाउट हो रहा है तो पूछो. स्टेप बाय स्टेप जाना है, जैसा स्टेप बताए वैसे ही करना है. प्रैक्टिस करिए जाते मैदान में. हेलो, हेलो. यस सर. लिख लो जल्दी, कोई डाउट है किसी को तो पूछो, नहीं तो एक क्वेश्चन और देंगे बनाने. हेलो, हो गया क्या? यस सर. यस सर. सबका हो गया? यस सर. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो एक क्वेश्चन देंगे, बन जाना चाहिए सबसे. नहीं तो डाउट है तो अभी ही पूछ लो. अरे बोलोगे तुम लोग? आकाश, आकाश
अभिषेक यस सर कोई डाउट है लिख लियो सर हम अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं मतलब सर बिजी थे अभी आज लेट हो गया सर सॉरी सर आकाश अर्पित यस सर कोई डाउट नहीं है आर्यन सर नो डाउट पुष्कर सर नो डाउट ऋषि राज बताओ किसी को बेटा चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं तो बनाओ तुम लोग जिसको डाउट नहीं है लिख लियो ना इसको सब लोग हेलो यस सर चलो ठीक है क्वेश्चन है सर शेयर स्क्रीन गायब हो गया क्या गायब हो गया सर शेयर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है आपका नहीं तो अच्छा एक मिनट अब ठीक है आ गया यस सर चलो क्वेश्चन दे रहा है एक उसको लिखो मेजर टेक्सटाइल डाई मैन्युफैक्चरर डेवलप्ड है डाई द डाई हैज ए परसेंट कंपोजिशन ऑफ 75.95% कार्बन 17.72% नाइट्रोजन एंड 6.33% साथ में लिखते जाना क्वेश्चन बाय मास determine empirical and molecular formula of the dye ठीक है क्वेश्चन लिख लिया सब लोग हेलो दिख रहा है ना सबको विजिबल है yes, sir. चलो 5 मिनट का टाइम है बनाओ जल्दी से ठीक है 75.95% कार्बन है 17.72% नाइट्रोजन है और 6.33% हाइड्रोजन चलो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना
सर एम्पिरिकल सीएनएच हो जाएगा क्या सर? हेलो सर बनाया कोई सीएनएच हो जाएगा? मेरे को आंसर नहीं पता है, तुम लोग बनाओ। अगर सब वैल्यू 1-1 आ रहा है तो सीएनएच होगा, नहीं आ रहा है तो सबका आ रहा है। अरे सब लोग रिप्लाई करो सर, मेरा एम्पिरिकल फार्मूला C5NH5। चलो मॉलिक्यूलर C5H5N आ रहा है। अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C15H15N3 चलो चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, सब बना लिया ना, सब लोग ट्राई कर लिया? यस सर। यस चलो ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट का नेम लिखेंगे। कार्बन है, इसका परसेंटेज है 75.95। इसके बाद है नाइट्रोजन, ये है 17.72। उसके बाद हाइड्रोजन है 6.33। ठीक है, चलो इसको कितने से डिवाइड करोगे? 12। इसको कितने से? 14। इसको 1। ये कितना हो गया? 6.33। चलो यस सर। और ये कितना आ जाएगा? 1.27। और ये आ जाएगा 6.33। ठीक है, तब इसमें सबसे लोएस्ट नंबर जो उसे डिवाइड कर दोगे तो सबसे लोएस्ट क्या है? 1.27 ही। ये 1.27 और ये भी 1.27। ये कितना करोगे? 6.33 by 1.27 कितना आ रहा है? Approximately बताओ। 5। ये approximately आ गया 5, ये 1 हो गया और ये भी 5 हो गया। तो बस यही हो गया empirical formula, यही हो जाएगा ना? C5N1 और H5। ये empirical formula। ठीक है, अब हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा? 12 × 5 प्लस नाइट्रोजन का 14 × 1 प्लस हाइड्रोजन का 5 × 1, ये आ गया 60 प्लस 14 प्लस 5 79 हो गया। अब इसके बाद बताओ क्या करेंगे? एंड फाइंड आउट 240/79। 240/79 कितना आ जाएगा? 3। बताओ जल्दी। 3 आ गया। बस तो 3 आ गया, तो एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, वही हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये इनटू 3 कर दो, C15N3 और H15। ठीक है, यही हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। सॉरी, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबका आया था यही आंसर आया था? यस सर। देख लो, अब कोई डाउट नहीं है ना किसी को इस टाइप के क्वेश्चंस करने में? नो सर। नो सर। कोई नहीं है डाउट? नो सर। चलो तो ये हो गया, अब इसके बाद इसमें ध्यान देना। एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और क्या क्या बचा हुआ इस चैप्टर में बताओ तो? तुम लोगों ये सब फॉर्मूला लिखने बताए थे क्या?
फॉर्मूला कैसे लिखते हैं कंपाउंड का? यस सर, बताया थे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड हो गया था। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तुम लोग बनाए या बुकलेट जो मिला उसमें क्वेश्चंस अब किए हो? नो सर, सर हम एनसीईआरटी के बनाए। क्वेश्चंस अब उससे बना लेना, ठीक है? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अब भी बनाओ। उसमें कोई डाउट है क्या एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, या बुकलेट है सबके पास? ये सर बुकलेट है, ओपन करो उसमें देखो तो क्वेश्चन सब देखो, एक दो क्वेश्चन जिसमें डाउट लग रहा है पूछो, नेक्स्ट डे से अलग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आज जो डाउट है एक दो तीन क्वेश्चन पूछ लो, बुकलेट ओपन करो सब लोग। मिला हेलो, कुछ नहीं मिल रहा है क्वेश्चन सर, बनाए नहीं है। तो बनाते तुम लोग क्यों नहीं हो? ये चैप्टर कब से चल रहा है, अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया हो तुम लोग, बनाना करते क्या हो? सर बुकलेट कुछ दिन पहले ही लाए। बुकलेट में देखो क्वेश्चन सब कुछ मिल रहा है जिसमें डाउट लग रहा है, ठीक है? पूरा तुम लोग बना लेना, ठीक है? इसमें एक और चीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, एक टॉपिक ही है, छोटा सा टॉपिक है, स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है? हेडिंग डाल लो स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो ये मूल कॉन्सेप्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये 11th में तुम लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो थोड़ा सा बेसिक बता देता है, स्टोकियोमेट्रिक मतलब होता है कोफिशियंट। तुम लोग मैथ्स में कोफिशियंट पढ़े हो ना अलजेब्रा में? यस सर। लो तो यही हुआ कोफिशियंट। जैसे मान लो, अब इसमें एक चीज इम्पोर्टेंट है, जब भी मोल कॉन्सेप्ट तुमको अप्लाई करना है तो मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए इक्वेशन जो होना चाहिए तुमको, जो भी रिएक्शन दिया हुआ है तो केमिकल रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, ठीक है? अगर केमिकल रिएक्शन जो भी लिखा हुआ है मस्ट बी बैलेंस्ड, तुमको बैलेंस, तुम लोग को बैलेंस करना बताया गया है, बैलेंस करने आता है ना? यस सर। यस सर, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें केमिकल रिएक्शन जो भी दिया गया है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, तभी मोल कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे मान लो जनरल कोई भी है रिएक्शन लिख रहा है ए प्लस बी और ये सी प्लस डी दे रहा है, तो ए और बी ये इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। तो ए और बी मिलके यहाँ पे क्या है, ए और बी क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यहाँ पे हो गया सी एंड डी, प्रोडक्ट हो गया। और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है ये सेपरेट होगा एक एरो से, ठीक है? एरो से सेपरेट होगा। अब यहाँ पे ये कोई जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए जैसे यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट ले लेते हैं, अभी आर्बिट्रेरली कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, ए बी यहाँ पे सी और यहाँ डी ले लें, ठीक है? क्लियर है? ए बी सी डी ये शो कर रहा है, ए स्मॉल ए जो है ये ए का कोफिशिएंट है, स्मॉल बी बी का कोफिशिएंट है, स्मॉल सी सी का, और स्मॉल डी डी का कोफिशिएंट है। क्लियर है इतना सबको? यस। तो अब यहाँ पे देखो कंपेयर हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ मोल मोल एनालिसिस करते हैं हम लोग, मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस करने का मतलब क्या हुआ कि देखो इसमें सबसे पहला तो वही चीज है कि ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तभी मोल मोल एनालिसिस करोगे। रिएक्शन हमेशा बैलेंस होना चाहिए, कोई भी रिएक्शन दिया होगा तो तुमको सबसे पहले उसको, अगर बैलेंस दिया हुआ है तब तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको क्या करोगे, बैलेंस करते हैं हम लोग, ठीक है? सबसे पहले उसको बैलेंस करोगे। अब मोल मोल एनालिसिस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ए मोल
a mole of a reacts with b mole of किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बताओ b to form c mole of c capital c and d mole of d ठीक है तो यही हुआ मोल मोल एनालिसिस का मतलब a का स्मॉल a मोल्स या b के b मोल से रिएक्ट करेगा और c का c मोल फॉर्म होगा और d का d मोल फॉर्म हो रहा होगा उस समय तो जो भी कोफिशिएंट होता है ना उसको हम लोग मोल की तरह ट्रीट करते हैं समझ में आया जो भी कोफिशिएंट होगा उसको मोल्स की तरह ट्रीट करना है तो इसी को हम लोग मोल मोल एनालिसिस बोलते हैं अब अगर ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं होगा तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं क्या बताओ अगर बैलेंस नहीं होगा तो नो सर नहीं तो इसलिए क्राइटेरिया इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मस्ट है कंडीशन कि रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए ठीक है पहले लिख लो इसको फिर क्वेश्चन देते हैं सर हाँ बोलो सर टाइम लेस देन 1 मिनट बचा हुआ है ठीक है फिर से लिंक भेज देंगे ये करो तो पहले लिख लो पहले ओके सर दोबारा से लिंक भेज देंगे अभी ठीक है खत्म होगा तो ज्वाइन कर लेना फिर से नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। Thank you.